ओम श्री गणेश नमः। भूत प्रेत राक्षस शक्ति से परेशान है, वर्ल्ड का कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, ये आपको धोखा दे रहे हैं। गरीबी कर्ज ये भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का उपद्रव है। आपका घर कड़ा ये भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का उपद्रव है। आप किसी के जाल चंगुल में ना पड़े। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, वैश्य अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता त्रिशूल ब्रह्मास्त्र विद्या में छोड़ता हूं। आपके जन्म कुंडली में जैसा दोष हो, किसी ने बंधन कर दिया, भूत प्रेत राक्षस की रात को आपको डर लग रहा है घर में, या कोई आपका शत्रु है आपको परेशान कर रहा है, तो आप किसी के जाल चंगुल में ना फंसे। और ज्यादातर महिला और बेटी, अखंड दीपक ज्वाला देवी कहा गया है, आप अपने अपने क्षेत्र में अखंड दीपक जलाएं। अगर नहीं जल सकता हो तो इंटरनेशनल शिव जी के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से मंदिर बना हुआ है श्री गणेश धन कुएर, पंचमुखी वेद माता गायत्री और पशुपतिनाथ शिवालय, उसमें अखंड दीपक जला दिया जाएगा। मुझे कॉल मत कीजिएगा। नंबर एक। नंबर दो, भूत प्रेत राक्षस शक्ति ज्यादातर मस्तक में परेशान करते हैं। ग्रह दोष मस्तक पे, बेलपत्ता और दूब पॉलिश करके पाउडर रखिए। अगर नहीं मिल रहा वर्ल्ड के अंदर, आप कहीं भी रहें, दिल्ली से हमारी हैं एक लड़की जो कि बहुत तेज मेरे से ट्रेनिंग ले रही हैं, लक्ष्मी रानी, वह ऑल वर्ल्ड भिजवा देगी। और घर में धन कुबेर का नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। धन कुबेर मंदिर से भेजा जा रहा, वह भी लक्ष्मी देवी भेजेंगी और हमारे मंदिर के धनमाली जी भेजेंगे। यह करने के बाद, अखंड दीपक के बाद, आप हमेशा चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर भुवः स्वः सवितुर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर भुवः स्वः सवितुर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम धन कुबेर देवाय नमः। ओम भूर भुवः स्वः सवितुर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम धन कुबेर देवाय नमः। बाकी हमने वीडियो में बता दिया घर में क्या कैसे धुनी देना है। यह जो देख रहे हैं यह त्रिशूल ब्रह्मास्त्र विद्या, इसका प्रयोग करना मेरा काम है, प्रयोग करना मेरा काम है। 100,000 वर्ष तक आपके परिवार का रक्षा करेंगे। मेरा काम है, आपके ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम दे दूंगा। और देवी अशोक सुंदरी देवी जो शिवलिंग में है, उनके हाथों में दे दूंगा। ये 100,000 वर्ष तक आपके रक्षा करेंगे। महाकालिका देवी को दे दूंगा। या आसाम के एक एजुकेटेड परिवार अब घर प्रवेश करेंगे तो घर प्रवेश से पहले त्रिशूल कोर्स करना जरूरी है। बेटा बेटी के विवाह से पहले यह त्रिशूल कोर्स और रुद्राभिषेक नमक चमक करवाना जरूरी है। तो ये आसाम का, ये जो त्रिशूल देख रहे हैं ना जितने भी, ये आसाम की एक बहुत ही मोना जी एजुकेटेड परिवार है, उनके लिए त्रिशूल मंगाया गया है। श्रद्धा और भक्ति से हमारा कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है। आज वर्ल्ड के 80% लोग भूत प्रेत राक्षस शक्ति से परेशान है। वर्ल्ड का कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, कोई मंत्र जाप ठीक नहीं कर सकता। बीमारी, गरीबी, घर कलह, यह सब भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का खेल है। कोई मंत्र जाप करने से भी काम नहीं देगा। मंत्र जाप कीजिए, उसके बाद अखंड दीपक। अखंड दीपक को ज्वाला देवी कहा गया है। अभी आप बोलेंगे बाबा जी अखंड दीपक जलाएंगे कितने दिन में ठीक होगा, क्या होगा, ये सब सवाल ही मुझसे मत कीजिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा, 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। आपको कोई परेशान कर रहा है, आपका कोई शत्रु है, आपसे कोई गुंडागर्दी कर रहा है, त्रिशूल तंत्र छोड़ दूंगा। ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, 100,000 वर्ष तक आपके परिवार की रक्षा करेंगे। मेरे बड़े भाई, जब हमारी भाभी जी बीमार थी तो एक बाबा ने कहा तुम्हारे घर में जीन पसा हुआ, जीन जीन, और एक बोतल लेके आया, बोतल ऐसा। तो मैं दौड़ के गया, बोला कौन बाबा आ गया। मैं बोला क्या हुआ भाई, मेरे बड़े भाई खुद वीडियो दिखा दे रहा। बोला ये जीन खींच के ले जाकर जीन। मैं बोला कौन बोला। बोला मेरा बड़ा साला बोला, और ऐसा पानी का बोतल रख दिया, 21,000 रुपया चूना लगा के ले गया। हमारी भाभी जी 15 दिन में गिड़गा खत्म।
और मेरे से बड़ा भाई। हमारे पूरे भाइयों को भूत प्रेत राक्षस शक्ति का प्रकोप था, तो मैंने जो सिस्टम से सबको बचाया है, निकाला है, वह सिस्टम आपको बतला रहा हूं। ओ गए थे संबलपुर दौड़ के, वहां बाबा 11,000 ले गया। मैं बोला क्या? बोला ये बाबा बोल रहा मैं लेके जाऊंगा भूत प्रेत। मैं बोला उसकी बाप भी नहीं लेकर जा सकता, मेरे से जो बड़ा भाई हो और मेरे से जो बड़ा भाई है और उससे जो बड़ा भाई है उसके घर में रात को 12 बजे भूत प्रेत राक्षस शक्ति उनकी बड़ी बेटी का शरीर का जो पंच तत्व है वायु तत्व खेच के ले रहा था भूत प्रेत राक्षस शक्ति। रात को 12 बजे भाई फोन किए मेरे छोटे भाई को, बोले दौड़ो दौड़ो भागो भागो भागो। तो मेरे को लेके गए, मैं वो बेटी हमारी भतीजी का उंगली पकड़ा मैं फट से, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्ण भर्गो देवस्य धीमहि धेनु प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्ण भर्गो देवस्य धीमहि धेनु प्रचोदयात जाप किया, तो मेरा मंत्र जो है ट्रांसफर हो गया उनके शरीर में, वो बेटी बच गई। पूछ लीजिएगा मेरे भाइयों को, भूत प्रेत राक्षस शक्ति बहुत उपद्रव है। और एक मेरे भाई हैं, उनका नाम इनडायरेक्ट बोल रहा हूं, कुर्ती बाबू, कुर्ती KURTY कुर्ती बाबू। वह जब हमारे पुराने घर की ओर आ रहे थे मोटरसाइकिल में, तो हर रोज उसके गाड़ी में एक भूत प्रेत बैठना और ऐसे पकड़ देना उसको पीछे से, ओ भागता 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 उनके घर में जाकर गद्दी पे सो जाता। तो मेरे को एक दिन बोला सुनील चल, मैं बोला क्यों? बोला यहां से यहां तक कोई भूत प्रेत, मुझे तो मालूम है कौन है। मैं बोला ये मेरा क्लासमेट है, मर गया था। बोला ये मेरे को पकड़ रहा, बोला कुछ नहीं करेगा, ये मेरा क्लासमेट है कुर्ती बाबू, KURTY कुर्ती बाबू। हमारे पिताजी को तंत्र से बंधन किया गया था और हमारे पिताजी पड़ गए एक मुंह पट्टी वाला बाबा के पीछे, और मुंह पट्टी वाले बाबा जीवन बर्बाद कर दी मेरे पिताजी का। फिर मां दुर्गा अंबा के आशीर्वाद से सब सीखा विद्या धीरे धीरे, अखंड दीपक जला है गौरी शंकर बाबा के चरण में, त्रिशूल विद्या सीखा, 51 किलो दिया हूं मेरे परिवार के लिए त्रिशूल, अंबा देवी को अभी तक त्रिशूल रखा हुआ। और आज भी हमारे पांच भाइयों के लिए पिछले 25 वर्षों से अखंड दीपक जल रहे हैं, 25 ईयर्स से अनेक मंदिरों में। तो किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता, यह धोखा दिया गया। उपवास व्रत श्रद्धा भक्ति यह हमारे कोई वेद शास्त्र में नहीं है। कोई भी महिला उपवास व्रत करती है तो वह जीवन भर दुखी भोग करेगी। आप आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए, चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जो संपुट लगाना है धन कुबेर, 9 महीना में हर मंत्र सिद्ध होगा। हल्दी और चावल और पीली सरसों तीनों हाथ में लीजिए, और कर्पूर अपने क्षेत्र के मंदिरों में लगाइए, शिव मंदिर में, और कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुज केन्द्र हरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ नम ओम नमः शिवाय 3 बार ताली बजाइए, और बोले कुबेर जी का पाइपलाइन हमारे घर में फिट कर दीजिए शिव जी, 100% पाइपलाइन फिट कर देंगे। शिव मंदिर में जाइए, लेकिन अखंड दीपक कहीं भी वर्ल्ड के मंदिर में जलाइए, कहीं नहीं जलता हो तो हम जला देंगे कि हे शिव बाबा हमारे घर में कुबेर जी का पाइपलाइन लगा दीजिए, लगा देंगे। एजुकेटेड लड़की महिलाएं आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, सुख शांति और धन वशीकरण विद्या आपको दूंगा, लेकिन 9 महीने में सिद्ध होंगे, 1 दिन में सिद्ध नहीं होंगे। धुनी हर रोज दीजिए घर में, पीली सरसों हल्दी भीमसेनी कर्पूर और धूप। मान लो आपके अपार्टमेंट में धुनी देने के लिए मना कर रहे हैं, या आप जिस देश में रहते हैं धुनी देने के लिए मना कर रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा कि हम अमेरिका में रहते हैं, लंदन में, यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, यहां धुनी देने के लिए बैंड है और हमारा ये नाम है, आप 30 दिन हमारे लिए आपके मंदिर में धुनी दे दीजिए, वहां तक फैसिलिटी देता हूं मैं। नया मकान प्रवेश से पहले रुद्राभिषेक नमक तमक मेरे 365 दिन चलते रहते, देखिए वीडियो जरूर करवाएं। और बेटी और बेटा के विवाह के समय में 12 दिन समय में 12 दिन, मान लो आज शादी है,
छह दिन पहले और सात छह दिन बाद में 12 दिन रुद्राभिषेक नमक चमक जरूर करवाएं, नहीं तो फेरे में बेटा बेटी के शरीर में भूत प्रेत राक्षस शक्ति प्रवेश कर जाएंगे और फिर शादी के बाद जो है पति पत्नी का कलह। ऐसा जिसके घर में भी हुआ है अखंड दीपक जलाइए और धीरज रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि अगले महीना कोर्ट केस है, आज सॉल्व कर दो, बिल्कुल नहीं। और जो फोन करे मुझे डायरेक्ट कॉल उसका कभी काम नहीं करता, पहले व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा, हेलो लिखो, नमस्कार लिखो, कुछ भी, उसके बाद आपका फोटो दीजिएगा, आपका नाम दीजिएगा, किस शहर में रहते हैं दीजिएगा, और क्या क्या प्रॉब्लम है सब लिख दीजिएगा। और जो एजुकेटेड महिला है प्रवचन देना चाहती हैं, पंच तत्व, आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, सरस्वती आपके कंठ में बिठाना अखंड दीपक के माध्यम से और त्रिशूल के माध्यम से, ये मेरा काम है। आप प्रवचन दीजिए, स्पीच दीजिए, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, सैकड़ों हंड्रेड करोड़ का आप मालकिन बनेंगे। हम ऐसा आपको सिखा देंगे, इंटरनेशनल 166 देशों में आपका प्रवचन जाएगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया, हर महिला को ट्रेनिंग दूंगा, ब्रह्मास्त्र विद्या, मोनी वशीकरण, बीमारी कैसे शरीर से गायब हो, लेकिन मुझे चैटिंग की जगह, कई लोग क्या वॉयस कर देंगे और छोड़ देंगे, मैं ये कान में हुरकुच नहीं सकता, कान में सुन नहीं सकता मैं, नहीं बाबा हमको चैटिंग नहीं आता, चैटिंग नहीं आता तो हम भी काम नहीं करेंगे ऐसे, ये कान में दिन भर हुरकुचने का काम नहीं है, चैटिंग कर देना मैं पढ़ लूंगा। और जो व्यक्ति विवाह हो चुके हैं एक या दो, तलाक बार बार हो रहे हैं, मेरे से जुड़ जाइए। जीवित रहते हुए अगर आपने अपने आत्मा को अखंड दीपक और रुद्राभिषेक नमक चमक और त्रिशूल विद्या के माध्यम से अगर स्वर्ग के दरवाजे तक अगर नहीं पहुंचाते हैं, स्वर्ग का दरवाजा है शिवलिंग का अशोक सुंदर देवी, तो मृत्यु के बाद आपका आत्मा 1,00,000 वर्ष तक राक्षस शक्तियों के अधीन रहेगा। यह 84 लाख योनियों के अंदर हम रहते हैं, जितने भी पहाड़ आप देख रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, 99% पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां हैं, मां के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे को खा देते हैं। आप बोलोगे हमारे देवी देवता क्या कर रहे हैं, देवी देवता सोए हैं, आपको समय नहीं है तो देवी देवता को भी समय नहीं। हमारे सभी धर्म के देवी देवता ये रिचार्जेबल हैं, अखंड दीपक से रिचार्ज होते हैं, त्रिशूल विद्या से रिचार्ज होते हैं। और रुद्राभिषेक नमक चमक से अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल शिव जी के आशीर्वाद और आदेश से रुद्राभिषेक नमक चमक कमेटी गठन कर रहा हूं, ऑल वर्ल्ड से 108 फैमिली को ही शामिल करूंगा। मैंने संन्यास धारण किया, घर त्यागा, कुंडवा नहीं बनाऊंगा, आज जीवन में किसी भी धर्म का सन्यासी मत बनना, महिलाएं घर में रहते सन्यासी बनो, उसका एक उदाहरण प्रमाण है, मेरे 72 पीढ़ी पूरब मेरे रिश्तेदार के अंदर 3 बेटा और बेटी सन्यास ले गए, सन्यास लेने के बाद 6 महीना के अंदर उनके अंदर भूत प्रेत राक्षस शक्ति प्रवेश कर गए। मेरे पास फोन आया कि ये आपके रिश्तेदार हैं, ठीक कर दो। मैं बोला हमने तो दान दे दिया, हमारे रिश्तेदारों ने दान देने के बाद हमारा और आसक्ति नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। तड़प गए बेटा और बेटी, जिसके शरीर में एक बार भूत प्रेत राक्षस शक्ति प्रवेश कर जाता है निकलना आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। मेरी खुद की भांजी चोचली साध्वी बनने के लिए रेडी, मेरे जीजाजी और भांजी घर आए मेरे आशीर्वाद लेने। भांजी बोली मामा जी पाए लागू, मैं बोला 2 बार लागू, किसा आए आज कैसे आए, तो बोले मेरा 7 दिन के बाद साध्वी बनूंगी। मैं बोला भूत प्रेत राक्षस शक्ति को अगर खाने का अगर ताकत है तभी बनना साध्वी। बोला ऐसा क्या मामा, बोला हाँ, बोला मेरा शादी करवा दो। और फिर जो है हमारे जीजाजी शादी करवा, 1 मिनट में उनका बैराग उतार दिया, क्योंकि मैं जब सन्यास का जीवन लिया ब्रह्म राक्षस और बेताल भूत प्रेत को मैंने मार दिया है, किसके शक्ति से, देवी देवता को शक्ति से।
अपना जन्म कुंडली जहां दिखाओगे वहां फंसोगे आप। जन्म कुंडली किसी को ना दिखाए। आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया। जो पंडित 80% नकली पंडित जिन्होंने आपका दान लिया है उन्होंने धोखा दिया है। स्वर्ग का दरवाजा शिवलिंग में है, शिवजी से डायरेक्ट जुड़ जाइए। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहते हो, आपके घर के नजदीक जो शिवलिंग है, शिव मंदिर, आप महीना में एक दिन जाइए, वह शिव मंदिर का मुझे आप फोटो भेज दीजिए और लिख दीजिए हमारा नाम ये है और यहां ये शिव मंदिर है, सब लिखना पड़ेगा। ओडिशा राज्य जो शिव मंदिर में हम अखंड दीपक जलाएंगे या जो रुद्राभिषेक नमक चमक कर रहे हैं, हम यहां उस शिव मंदिर का नाम ऐड कर देंगे। तो हमारा ये शिव मंदिर, ये रुद्राभिषेक नमक चमक से आपके लिए उस शिव मंदिर में ट्रांसफर हो जाएगा आशीर्वाद, सकारात्मक ऊर्जा। फिर आप जाइए शिव मंदिर में, शिवलिंग को हल्दी भीमसेनी कर्पूर चावल लेके मालिश कीजिए और जल चढ़ाइए 4-5-7 बार, वहां से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसको कहा जाता मंत्र ट्रांसफर विद्या। आप अपने घर में जो शिवलिंग रखे हैं उसका फोटो भेजिए और बोल दीजिए हम यहां रहते हैं, हमारा नाम ये है और हमारे घर में ये शिवलिंग है, फोटो भेज दीजिए। रुद्राभिषेक नमक चमक में हम बोल देंगे कि यह रुद्राभिषेक नमक चमक जो करवा रहे हैं इनके घर में शिवलिंग है और शिवलिंग में सकारात्मक ऊर्जा भर दीजिए। 100% आप अपने घर के शिवलिंग से भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग कौन सा होना चाहिए, नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। अभी दिल्ली जो हमारी तेज तर्रार जो है शास्त्री जी लक्ष्मी रानी ऑल वर्ल्ड शिवलिंग भेज रही है, धन कुबेर नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप जिसको भी चाहिए लक्ष्मी रानी मेरे व्हाट्सएप में एड्रेस दे दीजिए, हम लक्ष्मी रानी को भेज देंगे। तो भूत प्रेत राक्षसी शक्ति ये कोई पंडित पंडित ये हटा नहीं सकते, ये धोखा दे के पैसा ले रहे हैं। रात को आपको आपको नींद नहीं आ रहा, बेचैनी है, तो कोई मायावी शक्ति का प्रकोप है। लेमन में सरसों तेल लगा के शिव जी को दीजिए, अखंड दीपक में जलवा देता हूं। कोई व्यक्ति बीमार है आपके घर में, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, वर्ल्ड का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, तो आप परेशान तो ही है। दुर्गेश स्मृता दुर्गा देवी मंत्र प्रयोग करवा दूंगा, रोगान शेषान अपहंसित रिष्टा रिष्टा तुकामान सकलान भीष्टन, और रुद्राभिषेक नमक चमक मैं नाम शामिल कर दूंगा। बीमारी स्तंभन होगा पहले, धीरे 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 धीरे। मेरे पिताजी को वर्ल्ड के सभी डॉक्टर मना कर दिए थे, ये व्यक्ति नहीं बचेगा, लेकिन देवी देवता के पूजन से बचे मेरे पिताजी। शादी के बाद संतान नहीं हो रहे, बेटियों का अगर विवाह नहीं हो रहा तो बहुत ही आसान है, हम आपको विद्या बतला देंगे। लेकिन अखंड दीपक या 33 कोटि देवी देवता का मुकुट मणि है। आपका मैरिज एनिवर्सरी है, आप बोलिए आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, वन डे अखंड दीपक जला दीजिए, एक दिन भी अखंड दीपक जला दूंगा। आप बोलिए हमारा आज मैरिज एनिवर्सरी है, गुलाब फूल रेड रोज 33 कोटि देवी देवता का पसंद और मंगल ग्रह कनेक्ट है कि मित्तल जी हमारा इतना गुलाब का फूल जो है चढ़ा दीजिए। बच्चों का बर्थडे है या आपके घर में कोई गुजर गया उस तारीख को मैसेज कर दीजिए कि अखंड दीपक एक जला दीजिए, फूल का माला चढ़ा दीजिए। आज आप देवी देवता को फूल का माला देंगे, कल आपका भी वैसे ही स्वागत होगा। और जो एजुकेटेड लड़की महिला, देखिए हमने बार बार लड़की क्यों कहा, बेटियां जो है ये नवकन्या है और दुर्गा देवी के मंदिर में बेटियों का ही पूजन होता है, लेकिन आज बेटियों को ही धोखा दिया जा रहा धर्म के नाम से। आप एजुकेटेड लड़कियां, जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है, मोनी ग्रोथ नहीं हो रहा, या आप एग्जाम देना चाहती हैं हाई लेवल, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। एग्जाम जिस तारीख को होगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, एग्जाम एग्जाम तारीख से पहले 7 दिन पहले मुझे लिख दीजिएगा, इतने तारीख को हमारा बेटा का एग्जाम है और इतना दिन तक चलेगा। मेरा जो सामूहिक चलता रहता है रुद्राभिषेक नमक चमक,
उसमें नाम शामिल कर दूंगा, रिजल्ट देखिएगा। लेकिन वह बेटा को बोलेगा आलू पोटैटो ले जाकर शिवलिंग में दे। बेटियों को हम ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। और इंटरनेशनल रुद्राभिषेक नमक चमक कमिटी गठन कर रहा हूं, ऑल वर्ल्ड से 108 व्यक्ति जुट जाइए। और स्पेशली वर्ल्ड के अंदर कहीं विधवा महिलाएं माता हैं, आप मेरे व्हाट्सएप से मुझे कॉल मत कीजिएगा और वॉइस मैसेज भी मत दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि हम ऐसे ऐसे वीडियोज हैं, ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पैसा ना भी दो 365 दिन पूजन करवा दूंगा। हमें मालूम है आज विधवा महिला कितने तकलीफ में है, उनके पास पैसा नहीं है, घर चलाना उनका मुश्किल हो रखा है। पिछले 2 साल के नीचे एक विधवा महिला का मेरे पास फोन आया कि 15 वर्षों से मैंने रुद्राभिषेक मानसिक किया, हो नहीं पा रहा। हमने बरगढ़ खबर दिया हमारे दीपक दास ब्राह्मण देवता को कि आप केसिंगा आइए और इनका रुद्राभिषेक नमक चमक सरसों तेल से कीजिए। और उसमें मैंने 2 लाख रुपया खर्च किया था और उस विधवा महिला को हमने कहा आप 1 रुपया इनको दक्षिणा दे दीजिएगा, दीपक दास जी को पूछेगा। देखिए फोन करने वाला का तो फोन तो रिसीव करूंगा ना, इनका ब्लॉक ही कर दूंगा। तो घर प्रवेश से पहले और बेटा बेटी के विवाह से पहले रुद्राभिषेक नमक चमक हम करवा देंगे। और त्रिशूल जरूरी है, आज आप सुख शांति धन धान्य में है या कर्ज में पूरा डूब चुके हैं, त्रिशूल खर्चा होगा बड़ा, त्रिशूल या त्रिशूल को पूजन करके हमारे जो पंचमुखी शिवालय हैं, वेद माता गायत्री है, धन कुबेर है, गणेश जी को वहां गाड़ देंगे, अखंड दीपक एक जला देंगे, लाइफ टाइम वहां त्रिशूल रहेगा। फिर कभी वहां मेरा कोई मंदिर बने तो मंदिर का जो गुंबज होता है आपके सभी त्रिशूल को गुंबज के अंदर डाल दूंगा और सीमेंटेड कर दूंगा, हजारों वर्षों तक उसके अंदर त्रिशूल रह जाएंगे। यह जैसे मैं पूजन करके 9 महीना तक मंदिर के अंदर रखूंगा, अखंड दीपक जलता रहेगा, फिक्स कर दूंगा। और अभी एक मंदिर का विचार है, 10 महाविद्या मंदिर, वह गुंबद के अंदर भर दूंगा। तो हजारों वर्षों तक आपका परिवार जो है ये सब कार्य करता हूं, पैसा नहीं लेता, फीस नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फोन मत कीजिएगा। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।